लखनऊ में डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा खुलासा। तालकटोरा पुलिस व क्राइम ब्रांच ने किया 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर टप्पेबाज अनोखे अंदाज में बनाते थे भोले भाले लोगों को अपना शिकार। 4 आरोपियों सहित एक महिला को किया गया अरेस्ट। पुलिस ने आरोपियों के पास से आभूषण व नकदी की बरामद। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी लखनऊ के अलावा अलग जिलों में भी घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। जहाँ बिहार बॉर्डर पर ही इन्होंने पहली फिर एक घटना करनी कबूली है और हाजीपुर और पटना में भी इन्होंने घटना करने की बात कबूली है, जिसके संबंध में हम लोग आगे विवेचना कर रहे हैं। वहाँ के पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जा रही है। मूल रूप से ये 5 लोग जो पकड़े गए हैं, एक राम अचल चौहान है जो मूल निवासी आजमगढ़ के हैं लेकिन वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, जो गैंग के सरगना है और गाड़ी भी इन्हीं के नाम पंजीकृत है। एक भरत कुमार है, मनोज मजिया उर्फ शंकर और रामअचल की पत्नी राधा, ये 5ों लोग घटना में शरीक रहते थे। 2 से 3 लोग ये घटना करते थे, बाकी लोग गाड़ियों में होते थे, आगे बढ़ते जाते थे और घटना करते जाते थे। सर, ये किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे, लोगों को किस तरह से गुमराह करते थे कि उनके जेवर और जो भी चीज़ें होती थी लेकर कैसे अपराध? ये 2-3 मोडस ऑपरेंडाई इनकी थी। पहले जैसे तालकटोरा में इन्होंने नोटों की गड्डी वाला यूज किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।